एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या मैं इनसे दो मिनट बात कर सकता हूं? ऑल राइट, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सर, आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोक दीजिए, मैं आप पे लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा। बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के, मैंने सुना था झूठ के पांव नहीं होते, उसे सच के सहारे चलना होता है। ये सब किताबी बातें हैं सर, और जिंदगी कोई किताब नहीं। मेरी राय मानिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं। दाद! मेरे बेटे जैसा है तू? अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुम्हारे जैसे होता। तुम्हारा ना कोई धर्म ना कोई ईमान, पैसों की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तुम। नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा। अरे वो तो ईमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है, फर्ज की खातिर अपनी जान दे सकता है, देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक। हबीबुल्ला और उनके आतंकवादी गिरोह पे गिराफ कर लिया है। कैप्टन करन इन कमांड सर, आउट एंड रॉजर। सर, वी हैव फाउंड आउट द टेररिस्ट हाइड आउट सर, जहां उन्होंने बच्चों को छुपा के रखा है सर। को उठाएगा? यू बास्टर्ड। देख उनकी आंखों में छिपे हुए खौफ को, देख यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता हूं। मानवी, मानवी, गोली मत चलाना, गोली मत। बच्चों को मारेगा? रिश्वत नहीं ली। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेट्रोपोलिस मिल में लगी आग की जांच करने से मुझे रोकने के लिए मिस्टर सिंघाल और मिस्टर नटवर सक्सेरिया वगैरह ने मुझे रिश्वत देनी चाहिए थी, चूंकि मैंने वो रिश्वत नहीं ली। आप इन लोगों ने रहे हैं मिस्टर सत्यप्रकाश, ये मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए नहीं, मगर इनसे रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है। मिलोर्ड जिन सिंघाल और सक्सेरिया की ये बात कर रहे हैं, उनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुकदमा मिस्टर पुरुषोत्तम का है जिनसे रिश्वत इन्होंने ली। इसीलिए मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सत्यप्रकाश के असिस्टेंट कमिश्नर और दफ्तर के दूसरे लोगों को बुलाएं और कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मिस्टर सत्यप्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं नीचे से शुरू करता हूं। सबसे पहले मिस्टर सत्यप्रकाश का अपना भरोसेमंद पियन रामपाल सिंह। रामपाल सिंह हाजिर हो। अब मैं क्या बोलूं जज साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, इन्होंने मेरी आंखों के सामने ही रिश्वत ली थी। आ,
तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्री सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है। आप फिक्र मत करना जी, मैंने करण को बुला लिया है, हम लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना जी। कर दिया। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती वकील, उससे डर। देवता जैसे मेरे पति पर पत्थर फेंकने वाले ये हाथ, ये इन लोगों के नहीं है, ये तो तेरे हाथ है, तेरे। इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा, याद रखना तू। चलिए माजी, माजी चलिए। कोई मेरे करण को बुला लाओ, मेरे करण को बुलाओ कोई। Let's move. करण! करण, मेरे बच्चे। करण तू आ गया, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? इतने में तो उस वकील रवि वर्मा ने तेरे पिताजी को बेईमान साबित करके जेल में भिजवा दिया। बेटे जल्दी कर, जल्दी जाकर उन्हें छुड़ा ला, जा जा छुड़ा ला, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, अब तक न जाने क्या हाल हो गया होगा। वाह रवि बाबू, वाह, क्या कांटे से कांटा निकाला है आपने, मजा आ गया। मगर भैये 2 साल बाद वो वापस लौटेगा और फिर से हमारी फाइलें खोल के बैठ जाएगा, तब है? जो आदमी 2 साल की सजा काट के आता ना बिहारी बाबू, सरकार उसे दोबारा नौकरी नहीं देती, भूल जाओ उसे, खत्म हो गया वो। पुरुषोत्तम तुम अपनी बिल्डिंग उठा लो। ठीक है, सबसे ऊंचा पेंट हाउस मेरा होगा। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ। और हाँ डैड, आप भी बेफिक्री से अपने होटल का काम शुरू कर दीजिए, मैं चलूं। ओके बाय बाय। सिंघाल साहब, सिंघाल साहब, हमें तो तसल्ली नहीं है, सांप को अधमरा मत छोड़ो, उसे कुचलना है तो पूरा कुचलो। मतलब? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मान लो अगर वो सत्य प्रकाश ससरा जेल में आत्महत्या कर ले तो? वो काहे को करने लगा आत्महत्या? समझा करो, जेल में जब कोई मर जाता है तो उसे आत्महत्या ही कहते हैं, क्यों? हाँ। और जिस आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं, फिर न वो मुंह खोलता है न फाइल। हाँ। ये क्या लगा रखा आप लोगों ने, कभी कहते यहां जाओ, कभी कहते वहां जाओ, कभी कहते यहां साइन करो, कभी कहते वहां साइन करो, नहीं करता मैं साइन, जाओ। पिछले 2 घंटों से इट्स मोर देन एनफ। ओके, देखिए हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है मत समझाइए हमें। बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप। एक बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दे रहे, ये ड्यूटी कर रहे हैं आप। यू नो हु आई एम, आई एम कैप्टन करण, कमांडो फोर्स इंडियन आर्मी। कैप्टन करण सर, बात क्या है? मैं अपने बाबूजी से, मेरा मतलब है मैं म्युनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से मिलना चाहता हूँ। एंड दिस ऑफिसर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी टू मीट माय ओन फादर। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। सुनो जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बाबूजी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। ये कब हुआ? सर सुबह 7:549 ने आत्महत्या कर ली और खबर मिलते ही हमने लाश का पंचनामा शुरू कर दिया और सर इनके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया। बाबूजी, बाबूजी, भाई करण बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना, बाबूजी, बाबूजी मैं करण हूँ बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना बाबूजी, बाबूजी। He is dead, कैप्टन। जानता हूँ, जानता हूँ मैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आत्महत्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होता है। आत्महत्या नहीं है ये,
मेरे बाबूजी जिंदगी से प्यार करते थे, जिंदगी का सामना करने वाले इंसान थे वो। आत्महत्या नहीं कर सकते। किसने किया ये? किसने किया ये? किसने मारा है बाबूजी को? बोलते क्यों नहीं? मर गए क्या सबके साथ? किसने किया ये? कैप्टन करण, बोलो। कैप्टन करण, ये क्या कर रहे हैं आप? कंट्रोल योर सेल्फ, प्लीज कंट्रोल, कंट्रोल योर सेल्फ कैप्टन करण। Drive. You can't even walk straight. Come here, sweetheart. Love you, Jan. सिंघाल साहब, उन दोनों को ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। सर, गोलियां चलाने वाले को पहचान लिया गया है। उसका नाम करण सिंह है। पिछले दिनों जेल में म्यूनिसिपल कमिश्नर सत्यप्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी। यह उन्हीं का बेटा है। ऑफिसर, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और वायरलेस पे मैसेज भेज दो कि करण का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। यस सर। कमिश्नर, ही शुड नॉट एस्केप। मेरे बच्चों पर गोलियां चलाने वाला। हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर सिंघाल, आपकी बेटी और दामाद ठीक है ना? हम रवि वर्मा को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन एक गोली उनके दिमाग के हिस्से को छू कर निकल गई। मुझे डर है कि कहीं वो अपनी याददाश्त न खो बैठे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रवि वर्मा, प्लीज स्पीक टू मी। मैं डॉक्टर प्रधान, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए मिस्टर रवि, प्लीज मुझसे कुछ बात कीजिए, प्लीज ट्राई टू स्पीक। हाँ, कोशिश कीजिए। काजल, आगे क्या? हाँ, आगे बोलिए मिस्टर रवि। हाँ, शुक्र कीजिए सिंघाल साहब कि उनका दिमाग बिल्कुल खाली नहीं हुआ। अगर उन्हें काजल याद है तो उम्मीद की जा सकती है कि काजल के जरिए उनको सब याद आ जाए। बस यूं समझ लीजिए कि रवि के बंद दिमाग की चाबी सिर्फ एक है और वो है काजल। हाँ,
I'll convey the message. आइए। ये तो बड़ी गनीमत हुई कि रवि की जगह काजल मर गई। नहीं नहीं, ये मत समझना कि मुझे अफसोस नहीं हुआ। अफसोस जरूर हुआ, लेकिन अगर रवि मर जाता तो समझ लो कि हम सब भी उसके साथ मर जाते ना। बात तो 100% खरी है। अरे भाई, हमारे वो सारे काले धंधे, वो स्विस बैंक के अकाउंट, वो बेनामी जमीन जायदाद का हिसाब किताब सब उसी ने तो संभाल रखा है। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम तो बर्बाद हो जाते। मुझे तो अब भी बड़ी गड़बड़ी नजर आती है भाई। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? क्या क्या? रवि को बिल्कुल ठीक करना चाहते हो तो उसके सामने उसकी काजल होनी चाहिए जब भी वो होश में आए। अरे अब जो दुनिया में नहीं रही उसे क्या आसमान से उतार लाएंगे? हौसला रखिए सिंघल साहब। बंसल जी, कैसे हौसला रखूं? दामाद है जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और बेटी जो हमेशा खाली साथ छोड़ गई। नहीं हुकुम, रोज का 4-5 हजार कमावे हमारी छोरी। और अगर हम 1,00,000 रुपया देकर तुम्हारा नक्शा ही बदल दे तो? कितना? 1,00,000। अच्छा तुम बोलो, तुम बोलो। 2, 3 चार, 5 लाख ठीक है? का कहो हुकुम? 6, 7 ऐसा मजाक अच्छा कोनी? तो 8, 9 मैं तो बोलूँ? अरे तू बोल, 10 बोल 10 ठीक है? मैं तो बोलूँ मल्ले भी साथ ले चलो हुकुम, जो 10-20 हजार ठीक समझो मल्ले दे देना। बासी कड़ी में उबाल, हमने चिड़िया का नक्शा मांगा था, चिड़िए के घोंसले का नहीं। हुकुम आप तो, अरे कजरी भारा, सलाम बोल हुकुम ने। गुड मॉर्निंग बोलू साहब जी, कहाँ करनू है गो प्रोग्राम? तो बेहतर जा, टाइम है अभी। मैं तो बोलू हुकुम, भाव ठीक बोलो जी। मतलब? अभी तो नथ भी नहीं उतरी है हमारी छोरी की। देखिए भाई जी, हमें कौन सा उस लड़की से ब्याह करना है? आप लोगों का क्या भरोसा हुकुम, कहीं दागदार करके लौटा दोगे तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना। देखिए उधर काम खत्म है और इधर आपकी लड़की वापस। मैं तो बोलू जी, छोरी आपकी गुलाम है, ले जाओ। 10-20 दिन ज्यादा भी रखोगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, हम भी दिल वाले हैं। रवि वर्मा बच गया, रवि वर्मा खतरे से बाहर, रवि वर्मा खतरे से बाहर, रवि वर्मा को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब, रवि वर्मा को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब। मिस्टर रवि वर्मा इज इन रूम नंबर 76। थैंक यू। करण भैया, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने हथियार फेंक दो। नहीं, जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देता तब तक कुछ नहीं। जो कहना है जो करना है सब उसके बाद। करण भैया, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, प्लीज अपने आप को मेरे हवाले कर दो, प्लीज। ये करण पागल है क्या? जी हाँ, पागल है। ये जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं ना सर, ये पागल ही होते हैं। इनके लिए जिंदगी सिर्फ एक मिशन है, जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं। What do you mean? अगर रवि को कुछ हो गया होता तो? हम जानते थे कि करण यहाँ जरूर आएगा, इसलिए हमने मिस्टर रवि वर्मा को पहले ही शहर से बाहर महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया है, और इस वक्त वो डॉक्टर आनंद के सैनिटोरियम में बिल्कुल हिफाजत से है, जिंदा। हेलो हेलो हेलो, सॉरी यार। बता मैं कौन? काजल। काजल नहीं, सुंदर सुंदर।
जैसे ताजमहल सुंदर होता है ना, वैसे सुंदर बांगड़ो। जैसे डॉक्टर आनंद का ये सैनिटोरियम सुंदर है ना, जैसे मेडिकल स्टोर, जैसे खूबसूरत वाइन शॉप, शमशान घाट का गेट, म्यूनिसिपालिटी का गार्डन है ना, ऐसा सुंदर। बोलो मैं कौन? काजल। एक बात बता, तू मुझे काजल क्यों बोलता है? इससे कि मैं काला हूं? देख, सिर्फ काजल ही काला नहीं होता, सुंदर भी काला होता है। बोलना मैं कौन? काजल। सुंदर। काजल। सुंदर। काजल। सुंदर 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 मैं सुंदर हूं, 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 मैं सुंदर हूं। ओकी बच्ची, कितनी बार बोला है कि आने से पहले आवाज दिया कर, तोड़ दिया ना मेरा। क्या तोड़ा मैन? 440वां पेन, सब कुछ दिखता है। कहीं और कोई चीज टूट जाता तो पेशेंट को मैं क्या मुंह दिखाता? सब कुछ पेशेंट को बताएगा तो मेरे को क्या बताएगा मैन? बोलता कुछ है, सोचता कुछ और है। हे, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन। सुना? आती क्या खंडाला? खंडाला क्या आदमी है? तेरा नंबर वार्ड कब से खाली है तुझे कुछ मालूम ही नहीं। मेरे स्टैचू भाई, निकाल दी ना हवा, निचोड़ दिया ना नींबू दूध में, डाल दी ना हट्टी कबाब में। ये क्या हो रहा है? सर, सर, पेशेंट का बीपी बढ़ गया। बीपी पेशेंट का नहीं, बीपी तुम दोनों का बढ़ गया। सर, सर। पेन मेरा टूट गया है आज फिर। हेलो रवि। काजल। इसकी ना काजल पे सुई अटकी हुई है, पिन अटकी हुई है, ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, उई करता रहेगा। सुंदर, काजल इसकी बीवी का नाम है, जिसे ये बहुत प्यार करता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या इसको मैं इसकी बीवी दिखा देता हूँ? चुप। ये तो हमने सोचा ही नहीं। सुंदर एक काम करो, ये कपड़े उतारो, साड़ी और ब्लाउज पहन कर आओ, हो सकता है इससे तुम्हें देखकर इसकी बेबी याद आ जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, इससे अगला पिछला सब याद आ जाएगा, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, और सोचो मेडिसिन के इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तुम दोनों फिर शादी कर लेना। अरे रे रे रे, तुम दोनों की शादी होगी, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। कैसे होंगे? ऐसे होंगे तुम्हारा ऑपरेशन। अगर मेरी शादी होगी ना तो जिंदगी भर कुंवारी मरेगी और यूं करते रहेगी। सुंदर। So, how are we today? काजल। आएगी तुम्हारी काजल। आना ही पड़ेगा उसे। आप इतने दिल से, दिल की गहराइयों से उसे याद करते हैं। उसे भी कांचन मिलता होगा। जरूर आएगी वो। आना ही पड़ेगा उसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी। बुढ़ापे में मेरी मिट्टी पलीत मत करिए। मेरी काजल की जगह एक नाचने वाली इस घर में आएगी। ची ची ची, राम राम राम। एक बार देख तो लो ताई, कहते हैं बिल्कुल काजल जैसी है। खाक, जो कहता उसके मुंह में खाक। ना तो मेरी काजल जैसी आज तक कोई हुई है, ना कभी होगी। चल भीतर चल। काहे सिंघाल बाबू, खा गए ना चक्कर? अच्छा, तो इनकी ड्यूटी पे आई हूँ। मैं कहूँ साहब जी, गुड मॉर्निंग बोलूँ? हाँ, घनी फंटास्टिक सजावट कर रखी है सेठ ने। मम्मी, मम्मी, मम्मी आप आ गए? आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। ये कौन सी ड्रेस पहनी है मम्मी? फैंसी शो में गई थी। सो स्वीट। अच्छा, मैंने प्रॉमिस किया ना आके वीडियो गेम खेलूंगी। अभी नहीं बेटे, अभी मम्मा थकी हुई है। अरे पापा कहाँ हैं?
वो भी तो आपके साथ गए थे। वो दिल्ली गए हैं बेटे। मम्मा आ गई है, अब पापा भी आ जाएंगे। जाओ आप जाकर सो जाओ। ताई, पूजा को ले जाकर सुला दो। छोड़, तुझे तो पवित्र करना पड़ेगा। राम 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 राम। देखो ये बच्ची तो मन्ने चोखी दिखे साहब जी, पर ये बुढ़िया मन्ने टेढ़ी दिखे। ऐसी बात नहीं करते, अच्छी तरह बोलते हैं। हम इन्हें ताई कहते हैं। मेरी बेटी थी ना काजल, उसको इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारे लिए तो सगी हुई ना। हाँ हाँ साहब जी, पर हमारे लिए तो सौतेली हुई ना। आप समझा देना, बेफजूल में मेरी बेइज्जती खराब ना करें, मन्ने प्रॉब्लम हो जाएगी। रवि वर्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ छुपा रखा है रवि वर्मा को? मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सच बोलता है, सच बोलता है। सच तो ये है कि मेरे बाबूजी ने तुझसे रिश्वत ली थी। सत्य प्रकाश एक बेईमान अफसरता। वो गलती थी मेरी, मैं बहकावे में आ गया था। बहकावे में? किसके बहकावे में? रवि वर्मा के बहकावे में? हाँ शायद। कहाँ है रवि वर्मा? वो सेक्रेट सेक्रेट हार्ट सैनिटोरियम में। मुझे छोड़ दो। गया बैठना काजल। अब गिरना नहीं, संभाल कर बैठना, मैं एक मिनट में आता हूं। काजल बास्टर्ड, तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा। देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है, देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुर के किस्से मैं पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये लगता है। तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे गौर से देखो, ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे, सबको मार दोगे, क्या होगा उससे? तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे? बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को? हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना,
उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। ओए! जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर। दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा मैं इसे मौत दूंगा। बहुत सिर्फ मौत। क्या हुआ? 5.5 महीने का बच्चा है। यह टीना कमाल की हसीना, इसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था मगर इसका आदमी बड़ा कमीना था, वरना मेरी शादी से हो जाती, मेरे 5.5 बच्चे हो जाते। क्या हुआ? नहीं समझा? दूसरा सुन। एक लड़का जा रहा था, मुझसे भी काला, सफेद कपड़े पहनकर। एक सदाजी ने देखा, उसको बोला, ओए तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है। उसने कहा, सदाजी मजाक मत करो, मेरी पैंट पीछे से फटी हुई है। क्या हुआ? नहीं समझा? तूने मुझे बहुत पकाया ना, मैं भी तेरे को पकाऊंगा। तीसरा सुन। एक लड़का भागता हुआ है, अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मम्मी, किचन में ना रामू नौकर है ना, लक्ष्मी नौकरानी से चुम्मा चाटी कर रहा है। उसकी माँ गुस्से में आकर उसको बुलाकर डांटी, बेवकूफ उल्लू का पट्टे ऐसे काम करता घर में। तो बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, वो रामू ने था, डैडी थे। क्या हुआ? कुछ कुछ होता है, है? तेरे बगैर मेरा कुछ नहीं होता है, तेरा वो कुछ कुछ होता है। कल किधर गई थी तू? अरे नहीं मैन, कलम पिक्चर देखने गया था। कुछ कुछ होता है, है? मेरे बगैर मेरे को लेके नहीं गई तू? तुम हमको पिक्चर हॉल में पिक्चर कहाँ देखने देता है मैन, तुम तो हमको तू औरत है कि बुलडोजर देख मेरा क्या हाल बना दिया। पकड़ लिया। हाय क्या पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया? क्यों पकड़ लिया? पकड़ लिया। इतनी जल्दी हमारा साथ छूटने वाला नहीं है दोस्त, नहीं जाने दूंगा। डाकू सचमुच आए थे या फिर ऐसे ही? सच्ची? हाय डाकू, तेरा भगवान भला करे, ऐसे रोज आया कर यार। ये सब क्या है मिस्टर सिंघल? क्या है डॉक्टर आनंद? वो करण का बच्चा हद से आगे बढ़ रहा है, हमें डर है कि वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन वो तो यहाँ आ चुका है। कौन? करण? लेकिन रवि तो ठीक है ना? हाँ रवि तो बिल्कुल ठीक है। ही, क्या कह रहे हैं आप? करण यहाँ आ चुका है और रवि फिर भी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता। डॉक्टर आप करण को शेर कह रहे हैं? नहीं, मैं मिस्टर रवि को मुर्दा कह रहा हूँ। रवि की तो हालत देखी है ना आपने, उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर रवि अच्छा कब होगा? जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्या हुआ आपकी काजल का, वो तैयार हुई कि नहीं? ओम नमः शिवाय। ओम ओम ओम। अरे अरे इधर कहाँ चली आ रही है? इधर कहाँ चली आ रही है मतलब भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई है। हाँ हाँ हाँ, उधर चल उधर, खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तो। नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को। उठाया मुंह और चली आई भीतर। ये ले खाना, ठूस ले ले। मर भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? राम राम राम, ये क्या है? ये क्या मतबल? बढ़िया, तू क्या समझे मने? ऐसे खाना फेंके, कुतिया समझे मने? भौंकती तो वैसे ही है। भौंकती नहीं, काटती भी हूँ, दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। हाँ। जिंदा छोड़ूंगी तब ना। तेरी तो बुढ़िया सुसरी, तेरी तो। अरे।
हिंसियत करी कचरी की। अरे कचरी तेरी काट काट के पीस पीस के टुकड़े कर देगी। हिंसियत करी। ए बुढ़िया, बहुत बड़ा पंगा ले लिया तूने। अरे चमिया, भाग आज तू भाग। तेरे टुकड़े ना कर दिया तो मार के रख दूँगी। मार के रख दूँगी। क्या हो रहा है ताई, क्या हो रहा है ये? बेटी तो खो चुका हूँ, सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं, जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है। अब नहीं बचा पाऊंगा उसे, अब नहीं बचा पाऊंगा उसे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो, मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राज। सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होता। कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से ही छुटकारा नहीं मिलता। बुढ़िया, अरे आ गई। ए लड़की, ए लड़की, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारी किस्मत के ऊपर। हाँ हाँ, जाती हूँ, जाती हूँ सब्जी, जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे नोटों की खाते नहीं आई थी कजरियाँ ना? धोखे में आई थी, धोखे में, कि गजरी देख कर रहा बड़े लोगों का घर कैसा होता है, ऐसा होता है, साला सुसरा ऐसा होता है। ची, जाती हूँ और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं, फिर मत कहियो कि गजरी ने कही नहीं। हाय राम, सारी पूरी सिर फोड़ लिया कमबख्त मारी ने। सारी पूरी ट्राई टू स्लीप काजल। अरे क्या हुआ? पिछले सात दिनों से डॉक्टर साहब, पिछले सात दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। अगर ये नहीं सोया, अगर ये नहीं सोया तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मेरी लिल्ली शादी से पहले विधवा हो जाएगी, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए। सुंदर, इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो मुझे लगा दीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके दिमाग पर असर पड़ सकता है, हालत और खराब हो सकती है। मेरी हालत की आपको कोई फिक्र नहीं है? कुछ तो दवा होगी इसके लिए। सुंदर, इसकी दवा बन रही है। काजल, सुरमा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टिक बोल, नेल पॉलिश बोल, काजल मत बोल, काजल मत बोल। अरे तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। सारी हाँ, सारी ओ इट इज ऑल राइट। भूख लगी है? खाना दू या फिर बोतल ला दू? वही चढ़ा ले, पेट भर जाएगा। बोतल तो तोड़ दी ना अम्मा। क्या बोली? तोड़ दी बोतल, अब ना पीने की। उसके बाद क्या बोली अम्मा? साहब जी ने कहा था जो माँ जैसी हो उसे अम्मा कहें। मैं अम्मा ना हूं तेरी, ताई हूँ। काजल मुझे ताई कहती थी। ले। अरे अरे अरे, काजल की जगह ये नहीं, वो है मेज पे। चल यहाँ बैठ। छी, कैसे खा रही है? ऐसे नहीं काजल, यूं खाती थी। उठा चम्मच, चम्मच उठा, ऐसे ऐसे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा भगवान तेरे साथ है। याद रख बच्ची, तू एक अच्छे काम के लिए जा रही है। गो! गो!
ये तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुत्ते आ गए, नहीं तो हमारी भी हालत यही होती। Shut up! देखिए किसी भी बात की चूक नहीं होनी चाहिए, हर काम मुश्तैदी से होना चाहिए। ओके सर। लीजिए। थैंक यू माजी। सुनो राम सिंह जी, तुम हर आने जाने वाले पर निगरानी रखना, समझे? ओके सर। चाय। माजी आप तकलीफ मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें तकलीफ कैसी दामाद जी, मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं, और जब भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप घर में आकर बैठिए तो आप मानते ही नहीं। माजी रिश्ते जब फर्ज के रास्ते में आड़े आते हैं तो किस तरह चुपते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसा आप ठीक समझें, आपकी चाय। सर आपका फोन। रात बहुत हो गई है बेटी, पुलिस का पहरा भी सख्त है, अब और इंतजार मत कर, अब करण नहीं आएगा। भैया और राखी बंधवाने ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ। माँ भैया करण, मेरे बच्चे, और कब तक यूं भटकता फिरेगा? अब घर लौटा बेटे, घर लौटा, घर लौटा बेटे। फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है मां, पीछे लौटा नहीं जाता। वाह, उधर विनय फर्ज की बातें कर रहा है और इधर तू फर्ज की दुहाई दे रहा है, यानी मेरी ममता का ही कोई मोल नहीं रहा। मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाया जा रहा है उसकी फरियाद मैं किससे करूं? मेरा बहादुर बच्चा चोरों की तरह यहां से वहां छुपता फिर रहा है, तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता? न जाने वो पुलिस के हाथ कब आ जाए और उसे फांसी। नहीं बेटा नहीं, तू खुद अपने आप को विनय के हवाले कर दे, वो तेरा होने वाला बहनों ही है बेटा, वो जरूर तुझे कानून से रिहाई दिलवा देगा। ये मेरी माँ बोल रही है, करण की माँ, वो सत्य प्रकाश जिसने भले ही अपनी जान दे दी लेकिन बेईमानी के आगे घुटने नहीं टेके, क्या ये उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्नी कह रही है कि सत्य की राह बड़ी कठिन है इसलिए सहूलियत के आगे झुक जाओ, इंसाफ की जगह रियायत की भीख मांगो, क्या यही कह रही है मेरी माँ? हाँ बेटा हाँ, सिंदूर पहुंचकर जैसे तैसे सब्र किया है मैंने, लेकिन अगर मेरी कोख उजड़ गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे इस देश की रीत तो यही है माँ, कि फर्ज की राह पर एक बेटे की बलि चढ़ाकर माँ इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते तो वो इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान कर देती, और तू मुझसे कह रही है मां कि मैं अपने देवता जैसे बाबूजी के हत्यारों को माफ कर दूं? बाप मेरा मरा है, मेरा, यहां आग लगी है, आग। बाबूजी ऊपर से देख रहे हैं मां, देख रहे हैं कि आज उनका बेटा क्या कर सकता है, जिस बेटे के सर पर कफन बांधकर उन्होंने सरहद पर भेज दिया था कटने के लिए, आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है वो देख रहे हैं मां, वो देख रहे हैं। मैं अपने आदर्श पिता की मौत पर आंसू बहाकर बैठ जाऊं? नहीं मां नहीं, तूने किसी कायर को नहीं जन्म दिया, सच्चाई की इस जंग में अगर मैं मिट भी जाना मां तो दुख ना करना, फक्र करना। बस भैया बस, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बहन। दे सकते हो तो भरोसा दो भैया कि अपना ख्याल रखोगे, भगवान करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भैया को। There he is. Come on now. Run!
जल्दी जल्दी करो, ढूंढो उसे। अब रवि को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी सिंघाल साहब। जो रवि आया था और जो रवि आप लोगों के साथ जा रहा है, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। ये अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये सिंघाल साहब, आज ये एक सीधा साधा साफ सुथरा कोरे कागज की तरह है। जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे, इसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा। इसका मतलब जमाई बाबू पहले की तरह रवि वर्मा तो बन जाएगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। God bless you. अपना ख्याल रखना। सुंदर, क्या बात है बांगड़ो, प्यार करते हो तो जताना भी चाहिए। गले नहीं मिलोगे? क्या हुआ? पेशेंट बनकर आया था, दोस्त बनकर जा रहा है। All the best, Ravi. प्रभु तेरा धन्यवाद। ये सब कौन है? ये वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। रवि जी, बेटे हम चलते हैं, मुझे इन लोगों के साथ जाना है। ठीक है, मुंह तो मीठा करते जाइए सेठ जी। मैं मुंह मीठा कर लूं? हाँ बेटा। ताई ले, रवि को ही खिला दो, इसके साथ हम सबका मुंह मीठा हो जाएगा। पापा देखो, ये मैं हूँ, ये मम्मी है और ये पापा है। पापा I'm sorry। तो क्या हुआ बेटे? मैं तो रोज गिराता था। नहीं पापा। हाँ देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। डी इज फॉर माय डैड, डी इज वर्क्स हार्ड फॉर मी, एम इज फॉर माय मम्मी एज लविंग एज कैन बी, वी आर ऑल अ हैप्पी फैमिली। अरे सो गए। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम। अरे चलो रवि, रवि चलो। कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरे रवि को कुछ नहीं होना चाहिए। कमिश्नर साहब, यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था वकील। हर बेईमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं, और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को, सजाए मौत। सामने से हट जा विनय। करण भैया हथियार फेंक दो।
मैं कहता हूँ सामने से हट जाओ विनय। नहीं करण भैया, बेहतरी इसी में है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। सामने से हट जाओ विनय, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मारिए, तो मारिए ना, सारी की सारी खाली कर दीजिए। हो सकता है एक हाथ मुझे छेद कर रवि वर्मा के भी पार निकल जाए। हट जा विनय, तू जानता है माँ के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता। हट जा। अरे जिम, रवि वर्मा, थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। वो मुझे क्यों माना जाता है? रवि, तुम ये सब मत सोचो। वकील कितने मुकदमे जीतते हैं, एक आधा हार भी जाते हैं, कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी। काजल जी, तुम रवि को संभाल कर घर ले जाओ, देखना ये परेशान ना हो। इस हरामजादे ने मेरी बीवी को छुआ है। I'll kill you, you bastard! अरे कैसी बीवी? जिसे तो अपनी बीवी समझ रहा है, वो तो सा। रवि बेटे, हम उसे देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। हम उसका नक्शा बदल देंगे, तुम जाओ बेटे, जाओ। उसने मारा तो मारा सिंघाल साहब, लेकिन आपने क्यों मारा? इसलिए बेवकूफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है, पहले वो ठीक हो जाए, अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए। उसके बाद कहेगा ना तो उस नाचने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे, जी भर के उसका नाच देखते रहना। समझा? चल चल। नहीं काजल, बस काजल, ये तुम्हारा अपमान नहीं, मेरा अपमान किया उन लोगों ने। ये लोग अच्छे लोग नहीं है काजल, ये ना। ये तुम किस मुंह से कह रहे हो? तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। हाँ शायद हूँ। पता है वो करण मुझ पे क्यों गोली चलाना चाहता था? क्योंकि तुमने उसके ईमानदार बाप के दामन पर दाग लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। यही तो मैं बताना चाहता हूँ काजल, उस भले आदमी ने आत्महत्या नहीं की थी, इन्हीं लोगों ने जेल में उसकी जान ली थी। ये लोग ये बात अपने मुंह से कह रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, और मैं हमेशा उनका साथ देता रहा और तुमने मुझे कभी रोका नहीं। क्यों काजल, क्यों? हो सकता है मुझे पता ना हो, या हो सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हो और तुमने ना माना हो। हाँ, मुझे याद आया, रोका था तुमने। तुमने मुझे कहा था कि भगवान मेरे पापों की सजा तुम्हें दे, और वही हुआ। करण ने गोलियां मुझ पर चलाई और वो सारी की सारी तुमने अपने ऊपर झेल ली। हे भगवान, तूने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापस लौटा दिया। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। तुम किस लिए आए हो तुम यहां? माजी, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूं। माजी, मैं बहुत पछता रहा हूं, बहुत पछता रहा हूं। इस पछताने का कोई मतलब नहीं है, क्या होगा इससे? मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरा बहादुर फौजी बेटा हत्यारा बन गया। नहीं, अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे, मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे माफी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे सजा चाहिए, और भगवान के हाथों नहीं, तेरे हाथों। मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। मुझे कोई राह नहीं दिखाई देती मां, और तू ही मुझे बता कि जब एक इंसान
एक इंसान को एहसास हो कि उसने भूल की है और उस भूल का पछतावा करना चाहे तो वो क्या करे? आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी। हाँ, सजा तो तुझे भी मिली है बेटा। मैंने अपने पति को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को। मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोकने की, पर उसके सर पर खून सवार था। गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था। मरण हो गया तुम्हारी पत्नी का। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जा बेटा जा। मैं कौन होती हूं किसी को सजा देने वाली? कौन है वो? बोल, अपनी ताई से मत छुपा मेरी बच्ची। क्या वो रवि तो नहीं? हाँ, सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गई। तो फिर वो? वो काजल नहीं, कजरी है। और हाँ, है तेरी काजल का दूसरा रूप। मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। सच्चाई तो एक ना दिन सामने आनी ही थी रवि। बड़ी तपस्या की है कजरी ने तुमको एक नई जिंदगी देने के लिए। आज जो तुम ये जिंदा हो, होश में हो, कजरी की वजह से हो। माफ करना मेरे दोस्त, इस जन्म में तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म के तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म या काजल के साथ तुम्हारा सच्चा प्रेम, जिसकी वजह से आज तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया। अब देखो अपने आप को, सिर्फ शरीर ही नहीं, ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नई हो गई है। संभालो अपने आप को, मुश्किलें तो अब आएंगी तुम्हारे रास्ते में। सारी जिंदगी तुमने झूठ का सहारा लिया है, सच का सामना करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना? बट वेल, अच्छा नहीं किया कि तुम अच्छे इंसान बन गए हो। बैड लक, बट बेस्ट ऑफ लक। सारे मोहल्ले की औरतों ने चांद देखकर खाना खा लिया, लेकिन एक तेरा ही करवा चौथ अनोखा है। सवेरे से भूखी बैठी है, कुछ खा ले। नहीं ताई, अभी तो आते ही होंगे ना, उन्हें देख लूं फिर खा लूंगी। अब ना सुनती मैं तेरी पगलोई, कुछ खा ले तब ना मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ। इस बच्चे की इतनी फिक्र मत कीजिए ताई, पता नहीं क्या लिखा है इसके भाग्य में। कभी तो उनको पता चलेगा कि मैं काजल नहीं, कजरी हूं, एक नाचने गाने वाली बाजारू औरत। तब क्या उस बच्चे को स्वीकार करेंगे ताई? करना पड़ेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कजरी, क्या कुछ नहीं किया तूने उसके लिए? अपना सब कुछ तो नौछावर कर दिया उसे बचाने के लिए। अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तू। इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्वीकार नहीं किया तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अभागा है वो। जवाई राजा, तुम कब आए? बिटिया ने करवा चौथ का व्रत रखा है तुम्हारे लिए। पहला नेवाला अपने हाथ से खिला दो, मैं खाना लगवाती हूँ। यहां दस्तखत कर दीजिए, ये आपकी जमानत के कागजात हैं। इतने सारे रुपयों का इंतजाम माने कहां से किया? ये जमानत माँ जी ने नहीं दी है,
फिर इन्होंने दी है मिस्टर रवि वर्मा। इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील कि सत्य प्रकाश के खानदान में कोई रिश्वत नहीं लेता। ये रिश्वत नहीं है, मेरी गलती का छोटा सा जुर्माना है। बाकी जो भी और सजा तुम मुझे दोगे मैं उसे सर झुका के कबूल कर लूंगा। नाटक मत कर वकील, तेरे ये हथकंडे में खूब समझता हूं। पछतावा हो रहा है तुझे, प्रायश्चित करना चाह रहा है तू। अरे डर रहा है तू, डर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। अज्ञान भैया। अरे हाँ मारूंगा मैं तुझे, और इस बार दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। आप ठीक है ना सर? सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का, सिर्फ एक। जानना चाहता है क्या? मुझे भी इन सलाखों के पीछे मरवा दे जिस तरह तूने मेरे बाबूजी को मरवाया था। सत्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाई थी, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर वकील, अगर मैं मर गया तो तू जी गया, अगर मैं जी गया तो तू मर गया। ये क्या बेवकूफी है? दुश्मन को छुड़वाने का क्या मतलब? दुश्मन वो हमारा नहीं है, हम उसके दुश्मन हैं। क्या? उसने हमारा नुकसान नहीं किया, हमने उसका नुकसान किया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या सोचकर करेंगे जमानत कराने गए थे, जबकि अब भी वो तुम्हारी जान लेना चाहता है? मैंने काम ही ऐसा किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं, दिमाग तो सही हो गया है मेरा। मैंने तय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं उसका मुआवजा खुद भी भरूंगा और दूसरों से भी भरवाऊंगा, और उनमें से एक आप भी हैं। तैयार रहिएगा। तुम सिंघाल से बात कर रहे हो? सिंघाल से बात कर रहे हो तुम? अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम? आप मेरे ससुर थे, लेकिन आज जब काजल नहीं रही जिसकी वजह से रिश्ता था, तो अब आप मुझे इस रिश्ते की दुहाई मत दीजिए। बहुत सबान चल रही है तुम्हारी, दो टके की नाचने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है। अब वो मेरी पत्नी है, इस हिसाब से जिस घर में आप खड़े हैं वो उसी का है। रवि ये मत भूलो, इस घर में दो ईंटें मेरी भी लगाई हुई हैं। तो निकाल लीजिए अपनी ईंटें, तुम्हारी दो ईंटों की वजह से मेरे सारे घर में बदबू फैली हुई है। रवि! डोंट शाउट मिस्टर सिंघाल। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, गिरा लो दास, गिरा। स्वांग रचाकर भले घर की औरत बनना चाहती है, आखिर चला दिया चक्कर उस बेचारे रवि पर। कम सात बाजारू औरत। हम बाजारू औरतें सेठ, तुम जैसों की घरेलू औरतों से तो बेहतर ही है ना। तुम तो अपनी औरतों से कुछ भी मनमानी करते हो, और हमें रुपए भी देते हो और तलवे भी चाटते हो। कम सर अपनी औकात से बाहर निकली। औकात देखनी है सेठ? हाँ देखनी है, तो चलो चैलेंज फेंकती हूँ मैं तुम पर। अरे हाथ उठाना तो दूर, तुम सिर्फ एक बुरा लफ्ज निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में, राम कसम अगर पूरे बाजार में इसी छड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ले गई ना, तो कचरी नाम नहीं मेरा। अगर हिम्मत है तो बोल, बोल कर दिखाओ। मैं मुंह नहीं लगना चाहता तुम जैसी औरतों के। अरे सेठ औरतों को पांव की जूती समझना छोड़ दे, जिस दिन सर पर पड़ेगी ना तो बेभाव की पड़ेगी। बात करता है साला। अरे औकात ही क्या ससुरी की, कहो तो जान से मरवा दे। नहीं ठीक नहीं होगी उसके लिए, उसे फिर उसी नाली में जाना होगा। बोटी
बॉडी बिकेगी उसकी, खिसट खिसट कर रेंग रेंग कर सड़ सड़ कर मरना होगा उस बदसात को। वो सदा ठीक होगी उसके लिए। कर दिया है बंदोबस्त उसका। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ बेटे? कौन? मैंने नहीं जाना। मैं खिलाऊंगा तुझे खेल। मैं खिलाऊंगा। मैं बोलूं? अरे नाथ बीटी सत्या नाथ हो तेरा। तने घर बसाने के लिए भेजा था मैंने, रुपयों कमाने के लिए भेजा था, रुपयों कमाने के लिए, पर तेरे कमी ने अभी से हराम का बीज भर लिया पेट में। आ रहे खबरदार माई, खबरदार, इसे हराम का मत कहना। मैं हूँ हराम की तो मैं हूँ, क्योंकि न तने पता है न मने पता है कि मेरा असली बाप कौन है। ये तो एक शरीफ इंसान का बच्चा है जिसने प्यार किया है मुझसे। हाय 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 हाय, मैं तो बोलूं प्यार करे है तन्ने, घरवाली समझे है तन्ने। अरे हराम की जाके बोल असलियत, बता के तू धंधे वाली है नाचने वाली है, तब देखू कितना प्यार करे है वो तुझे हराम की जाई। मैं तो बोलूं संता मिटा दे हराम के इस बीच को, तेरी तो कमी नहीं। खबरदार संता, हाथ भी लगाया तो काट के फेंक दूंगी। तुझ जैसी 25 को सीधी कर चुका हूँ मैं अब तक, टांगे तोड़कर डेरे में भी डाल दूंगा ना तो भी घाटे में नहीं रहूंगा। अरे ना रहे नाचने लायक, 20-25 दिन भूखी रहेगी तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ए बस रख कस के पकड़ के तो रख, पहले इस बला को निपटा दो जिसकी वजह से इतना कूद रही है। कन्ने काट जा वरना यहीं के यहीं खेल जाऊंगा। क्या लगती है तेरी आ? मेरे होने वाले बच्चे की माँ। मैं तो बोलूं ना हुकुम, आप कुछ ना बोलो जी। टन टन आ टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? ये ले नहीं ये ले। जाओ संभालो अपना ये घर, अपनी ये दुनिया। मम्मी मम्मी मम्मी, हमने कभी मां छोड़ के जाना। मम्मी मैं नहीं रह सकती। नहीं बेटे नहीं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस रवि बस, मैंने उसे आगाह किया था, मैंने सिंघाल को आगाह किया था। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर सत्यप्रकाश का केस फिर से खोलने जा रहा हूँ कि मिस्टर सत्यप्रकाश ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या करवाई गई थी। और मैं इन सफेद पोशों के काले कारनामों को सारा कच्चा चिट्ठा कल अदालत में खोल कर रख दूंगा पूरे सबूतों के साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। रवि के पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत हैं वो खत्म होने चाहिए। सिंघाल साहब, हमने तो रवि का पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन हमारे फाइलें हमारे कागजात ऑफिस सब गायब है, कहीं हमारा नक्शा न पलट जाए। Oh!
माँ जी, करण भैया ने पुलिस की हिरासत से भागकर अच्छा नहीं किया, खतरा और बढ़ गया है। हाँ खतरा तो बढ़ गया है, क्योंकि रवि वर्मा करण के पिताजी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें झूठे कलंक से मुक्ति मिल जाए। अगर ऐसे में कहीं करण, नहीं नहीं, अगर करण का सामना रवि से हो गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल जल्दी रवि। मैंने कहा था ना वकील, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं करण, मार डालो मुझे। मुझे मारकर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे, लेकिन मेरी वजह से जो दाग उनके चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिटेगा, उसी अदालत में जहां वो लगा था। क्या तुम मुझे चंद घंटों की मोहलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उन्हें बेगुनाह साबित कर दूं? उसके बाद तुम जो सजा मुझे देना चाहोगे ना, मैं उसे हंस के कबूल कर लूंगा। हां करण, रवि ठीक कह रहा है, यह अदालत में उन्हीं लोगों का भांडा फोड़ने जा रहा है जो तुम्हारे पिता की मौत के भी जिम्मेदार हैं, और वो लोग इसे अदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे। चल अदालत, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे अदालत पहुंचने से नहीं रोक सकती। चल। बस बस बस, रुक जाओ रुक जाओ रवि बाबू, रुक जाओ। यहाँ तक आ गए, बहुत आ गए, अब इस रेखा को मत लांघना। एक रेखा ही तो लांगी थी सीता मैया ने, आधी रामायण दुखों में गुजर गई। तुम्हारी तो वैसे ही कष्टों में कट रही है, काहे को और दुखों को न्योता देते हो। हाँ लाओ, मुझे दे दो, लाओ। बात रामायण की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावण को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ भी चलकर खाक हो जाते हैं। पता था मुझे, पहले से ही पता था कि अच्छी तरह से समझाने पर भी नहीं ना समझेंगे आप, इसलिए दूसरा बंदोबस्त भी किया हुआ है। हेलो, लीजिए सुनिए, अपनी पूजा बिटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिए, सुनो। हेलो बेटा, छोड़ बच्ची को, कभी नहीं अगर बच्ची को कुछ हो गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। पूजा रोती नहीं, अब यूँ समझ लो कि अदालत में जाके आपने बैग खोला नहीं, कि आपकी पूजा बिटिया आई है। हराम ज़ादे, तू क्या समझता है कि तू मौत का नंगा नाच नाचेगा तो मैं डर के अपने इरादे बदल लूंगा? यू बास्टर्ड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे लॉर्ड, क्या आज कमिश्नर सत्यप्रकाश को चरित्रवान साबित करके मिस्टर रवि वर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं?
जबकि एक दिन खुद इसी अदालत में खड़े होकर इन्होंने कमिश्नर सत्यप्रकाश को रिश्वतखोर साबित किया था और हमने इनकी जोरदार दलीलों पर तालियां बजाई थी। काश आपने वो तालियां नहीं बजाई होती। काश जिस दिन मैंने पहली बार झूठ को जिताया था और सच को हराया था, लोगों ने तालियों के बजाय मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। और अब तो ये आम बात है मिलॉर्ड कि झूठ बोलने वाले को ताली मिलती है और सच बोलने वाले को थप्पड़। और उस दिन यही हुआ था मिलॉर्ड। उस दिन मेरी झूठी दलीलों को सुनकर लोगों ने वाह वाह की थी और उस संत जैसे आदमी पर पत्थर मारे। और वो उधर जो मेरी मां बैठी हुई ना जज साहब, उसने मुझसे कहा था कि उस देवता को पत्थर मारने वाले हाथ लोगों के नहीं थे, मेरे थे। और उसने बिल्कुल ठीक कहा था जज साहब, ठीक उसी तरह जैसे सत्यप्रकाश जी का कत्ल फांसी के फंदे से नहीं हुआ था। उस कत्ल के असली मुजरिम वो थे जिन्होंने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीद कर उनका खून करने के लिए भेज दिया। भाषण बहुत हो गया मिस्टर रवि वर्मा, अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कीजिए, वरना खामखा अदालत का वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ है, मेरे पास हर वो सबूत है। लीजिए उनके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा, मैं आज अदालत के सामने पेश करता हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ धर्म इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई में गुरुओं ने भी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। देखता हूँ आज उसकी अदालत में मेरी कुर्बानी क्या रंग लाती है। अदालत ले जाओ। यह अदालत शर्मसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्नर सत्य प्रकाश जैसे नेक सच्चे ईमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया। हम उनके मरणोपरांत उनसे क्षमा याचना करते हैं और कबूल करते हैं कि कभी कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलझकर गलती कर बैठता है। अदालत ये हुक्म जारी करती है कि कमिश्नर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंघाल को फौरन हिरासत में लिया जाए और इन पर बाकी मामलों के मुकदमे चलाए जाएं। रवि पूजा और यू बास्टर्ड इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। आगे हट जाओ, जाओ हट जाओ। आगे से सिंघाल, पूजा को छोड़ दे। सिंघाल अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। होश करो मैं कहता हूं। हट जा, हट जा, हट जा, लड़की को गोली मार दूंगा। हट जा। इंस्पेक्टर बंदूक फेंक दे और अपने आदमियों से कह दे कि पूजा
पिटी लीजिए। चलिए करण भैया, मेरा हिसाब फिर भी तुझ पर बाकी है वकील। हाँ मुझे याद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से छूट के आना पड़ेगा। और तू क्या समझता है, कानून मुझे छोड़ देगा? नहीं। हाँ छोड़ भी सकता है, बशर्ते तुम्हें कोई अच्छा सा वकील मिले। जिस सांस को मैं बजा नहीं पाता उसे तोड़ देता हूँ। बहुत हो गया शास्त्रीय संगीत, अब हम इसे रैप सुनाएंगे। रैप देख कौन आज सारी शक्ति के सामने नंगा नाच कर रहा है। अरे भाभी के घर जोड़ता हूं तेरे। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? आइंदा नहीं छूऊंगा, अभी नहीं छूऊंगा। शरीफ लोगों के साथ गुंडागर्दी करता है,
अरेस्ट हिम। भवानी साहब, मैंने उस लड़के को पकड़ के रखा है जिसने आपके भाई पर हाथ उठाया था। उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसकी लाश मुझे दिखा देता ना, तो उसके वजन जितना सोना तेरी घरवाली के बदन पे सजा देता मैं। कहाँ है वो? लॉकअप में। लॉकअप कॉल। बहुत गर्मी है तेरे खून में आ। मेरी गर्मी का नमूना तेरा भाई देख चुका है। हाथ बंधे हैं वरना तेरी सेवा भी जरूर करता। हरामजादे, वो छिनाल तेरी कौन लगती है? कौन लगती है तेरी वो नखेलिया बहन, जिसके लिए तूने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई हाथ में तूने भवानी, भवानी, भवानी के फुटबॉल। ये पुलिस स्टेशन है भवानी सिंह, तेरी रखेल का घर नहीं, जहां तू मनमानी कर सके। तू नहीं जानता एसीपी, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, भवानी के भाई पर। निहायत बेवकूफ हो तुम, जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे हाथ तोड़ सकता हूं। यह ख्वाब तू बहुत दिनों से देख रहा है शिवचरण, लेकिन अभी तक तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। खाकी और खादी में बहुत फर्क होता है, तुम सिर्फ जुबान चलाना जानते हो और हम हथियार। बहुत जल्द तुम मेरे निशाने पे आने वाले हो। गोलियां बर्बाद करेगा तू। बुलेट प्रूफ जैकेट सरकार सिर्फ मंत्रियों को देती है, पुलिस अफसरों को नहीं। नहीं जीत सकता तू मुझसे, नहीं जीत सकता, क्योंकि कानून की जंग जज्बात के बारूद से नहीं, सबूतों के हथियार से लड़ी जाती है शिवचरण। तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत और बड़े से बड़े गुनाह की फाइल तैयार कर ली है मैंने, और बहुत जल्द वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पेश करने वाला हूं। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, तुम्हारी खाल तक उतार ली जाएगी। जिस दरख्त की जड़ में सांप का बिल हो, परिंदे उसकी शाखों पर घोंसला नहीं बनाते एसीपी। खोल दो इसे। सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। हम अजय की जमानत के लिए आए हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो अजय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शर्मानी चाहिए तुम्हें। अजय बाबू, मेरी बहन की रक्षा करके आपने जो हम पर एहसान किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं बुला सकता। इसमें एहसान की क्या बात है, नारी सेवा तो परम धर्म है गुरु का। जी, जी। इनके दिल में औरत के लिए अलग ही जगह है। सुनिए, जरा मेरे साथ अंदर आइए। चलिए। तुम नहीं, उठिए ना। सुधा, तुम भी आओ। आप लोग इधर चाय पीजिए, मैं भी आया। लो पकड़ो, जल्दी चलो। पता नहीं क्या समझ रखा है इस घर को। हाँ, क्या है, कुछ अलग स्पेशल बना रहे होंगे। ये औरतें जो है ना, हमारे यहाँ बड़े गरीब है पर दिल के बहुत अच्छे। मैं जरा सा बाहर क्या गई कि तुमने गुंडे मवालियों की मेहमानदारी शुरू कर दी। हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तो भला आदमी है। अरे भला आदमी होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो जैसे वो गुंडा वैसे ये गुंडा। अभी आहिस्ता भी। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं, मुझे किसी का डर है। अरे तुम्हारी बहन ने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर दिया है, कल इसकी वजह से भवानी हमारा घर जला देगा, फिर किसको बैठ के चाय पिलाओगे? अरे ये तो छड़े छड़ांग है, इनका भरोसा कल दूसरी गली नाप लेगी, लेकिन हमें तो इसी बस्ती में रहना है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे भवानी के तो हाथ पैर जोड़कर हम माफी मांग लेंगे, लेकिन इन गुंडे मवालियों को तो यहाँ से दफा करो। अच्छा बाबा ठीक है, मैं सब समझा लूंगा। क्या, मैं कहती हूँ अक्ल कब आएगी, कब तक मिट्टी के माधव बने रहोगे तुम? कान खोल के सुन लो, अगर ये गुंडे मवाली Thank you.
शरीफ लोग साले शरीफ लोग जाग रहे हैं अभी तक। मिसेस डेविड की बत्ती कौन है? अजय तुम क्या मैन? तुम दारू पी के आया? इतना रात को कोई शरीफ आदमी ऐसा दारू पी के आता है क्या? हाँ शरीफ, शरीफ कौन है मिसेस डेविड? अपू तो गुंडा है, गुंडा शरीफ लोग उस घर में रहते हैं। आपको यकीन नहीं आता? बताओ। ए साला शरीफ लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारी इज्जत। उठो जी, क्या हुआ? देखो वो गुंडा मवाली दारू पी के तमाशा कर रहा है। साला समझता क्या है अपने आप को? क्या है तुम? हम बोलता है तुम ऊपर चलो। छोड़ो हम डेविड, चलो मैं ऊपर चलो। ये लोग हमको घर बुलाकर बेइज्जत किया, गाली दिया साला हम लोगों को। ऊपर में चलो ना मैं। अरे ये तो आपको ये लोग छत के नीचे था जो सुन लिया, वरना बताता ये लोग को आप चीज क्या है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अरे जाके समझाओ ना उसे। मैं क्या समझाऊं? सो जा अभी। साला हमको अगर फिर से बेइज्जत किया या गाली दिया ना तो बाप कसम अंगार लगा डालेगा, सारी बस्ती को चढ़ाकर राख कर देगा। तो साला एक शरीफ आदमी नहीं बचेगा इस बस्ती को। नशा उतरा के और पानी मारने को मांगता है? हाँ वो क्या है मिसेस डेविड, शाम को कल बल कुछ नहीं, अब बीच यही टाइम को हमारा घर खाली करो, एक मिनट भी इधर रुकने को नहीं मांगता है। और ये लोग पकड़ो अपना पैसा, तुम क्या समझता है हम पैसे का मोहताज है? अरे वो तो टोनी, वो ताला टोनी का बच्चा हमारा हाथ जोड़ा, हमारा पाँव में पड़ा कि इसको इधर में रखो, तब जाके हम तुमको रखा। और तुम साला दारू पी के अक्का बस्ती में बम्बा बम करता है। अरे छोकरी का इज्जत क्या बचा, अक्का बस्ती का इज्जत उतारेगा तुम? ठीक 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 बोला सिस्टर, ठीक बोला तुम। इसको आज का अक्का पेपर में हेडलाइन पड़ा इसका जे, इसने रात को दारू पी के बम्बा बम किया है। अरे मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमी को बस्ती में क्या, बम्बई में नॉन्ट्री कर देना मांगता है। ए तू समझता है क्या अपने आप को? सिस्टर को हैरान कर, अभी मैं इसका सूटकेस सूटकेस पैक करके लाता हूँ और उसको स्टेशन पे छोड़ के आता हूँ। अभी आता हूँ मैं। ए नाटक, तुम किधर में जाता मैन? ये बाल्टी रखेगा, सूटकेस भर के लेके आएगा। इडियट, तुम्हारा बाप का राज चलता है, फादर का राज चलता है, जब जिसको मर्जी लेके आएगा, जब जिसको मर्जी लेके जाएगा। हाँ मगर सिस्टर तुमने बोला ना इसको घर में नहीं रखेगा। बोला तो क्या हुआ, ये ऐसा काम काय को करता है? अरे ये हमको मिसेस डेविड बोलता है, लेकिन हम तो इसको अपना बेटा का माफिक मानता है। और क्या माँ क्या बेटे को गुस्सा नहीं करने को सकता है? मिसेस डेविड बिल्कुल कर सकता है, चाहे तो मार भी सकता है, लेकिन अगर बेटा माफी मांग ले तो? मिसेस डेविड आई एम सॉरी। हमको माफी मत मांगो, तुम सुधा को माफी मांगो। मालूम तुम क्या किया, उसका घर पे बॉटल फेंक के मारा, उसको लग जाता तो भी वो बेचारा छोकरी तुमको इधर में छोड़ के गया। चलो अभी जल्दी से हाथ मुंह धो, जल्दी से जाके उसको माफी मांग के आओ, जाओ। गॉड ब्लेस यू। मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। देखिए अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता, आपकी भाभी की बातें चिंगारियां बनकर मेरे दिमाग में सुलग रही थी। सोचा था शराब से बुझा लूंगा, लेकिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। कल नशे की हालत में गिर गए थे आप। नशा तो एक बहाना था, गिरा मैं कई बार हूं। तो आप संभल जाइए। मेरे संभलने ना संभलने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? और अगर फर्क पड़ता हो तो? ए मैन, हम तुमको माफी मांगने का वास्ते इधर में भेजा और तुम स्टैचू का माफी खड़ा है? चलो माफी मांगो, कम ऑन। माफी तो ये मांग चुके हैं, लेकिन माफी तभी मिलेगी जब ये वादा कर लें कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। That is good. बोलो हाथ लगाएंगा? नहीं। ओह, वो एसीपी का आदमी आया था, बोला तुमको घर भेजो, अर्जेंट में काम है। एसीपी? साहब, आपको मिलने को कोई भवानी साहब आया है। भवानी?
मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे की उसने? ठहरो। हमारी बातें घर की चौखट के बाहर ही हो तो बेहतर है। सुना था दो दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, एक अस्पताल का और दूसरा पुलिस का। लेकिन ये मेरा घर है और इसी घर की चौखट पर लिखा है वेलकम, यानी कि स्वागतम, नमस्ते। इजाजत हो तो मैं अंदर जाऊं। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। मैं जगपति भवानी, जिक्र चलता होगा कभी कभी मेरे नाम का। इस घर में सिर्फ भले लोगों का जिक्र होता है। देखा, भाभी भी नाराज, आप भी दुखी और मैं भी परेशान। और ये सब किसकी वजह से? सिर्फ उस लड़के अजय की वजह से, जो ना आपका कुछ लगता है ना मेरा। वजह वो लड़का नहीं, तेरे कर्म है भवानी, जो तुझे मेरी चौकट तक खींच लाए हैं। अरे हाँ, रात भर मैं भी यही सोचता रहा कि बदनामी के इस दाग को किस तरह से धोया जाए। और अचानक मुझे यह ख्याल आया कि पैसा वो साबुन है जो बदनामी के हर दाग को धो सकता है। और यही सोचकर मैं साबुन नहीं, पूरी वॉशिंग मशीन ही उठा कर ले आया। जी हाँ बड़ोकलाल जी साहब, ले आओ। चलो उठाओ। चलो यहाँ रख दो, आराम से। तुम लोग जाके बाहर बैठो। चलो चलो मैं आता हूँ। इस बक्से में इतने रुपए शिवचरण साहब, कि आप जिस थाने में काम करते हैं उसके सामने आप 50 माले की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, जिसकी छत से आपका पुलिस स्टेशन, माचिस की डिबिया नजर आएगा। सबसे पहली बात, इस घर में सिगरेट पीना मना है। और दूसरी बात, गंगा भाई। जी साहब। गंगा भाई, ये साहब बक्सा भर के नोट लाए हैं मुझे रिश्वत देने के लिए। तुम इनमें से जितने नोट लेना चाहो ले सकती हो। सोच क्या रही हो? साहब, मैं इस घर में 11 साल से काम करती है। आप पुलिस में इतने बड़े अफसर हैं। कभी कभी मेरे को दो दो महीने के बाद पगार मिलता है। फिर इतना बक्सा भर के नोट तो हराम की कमाई होगी ना साहब। मैं झूठे बर्तन मांझकर अपने बच्चे लोग को दो वक्त की रोटी खिला सकती हूँ, लेकिन ऐसे हराम की कमाई पर थूकेगी भी नहीं। सुन लिया भवानी, जिस पुलिस ऑफिसर के घर में बर्तन मांझने वाली का जमीर इतना बुलंद हो, उस ऑफिसर के ईमान की क्या कीमत लगाएगा तू? उठा इस कचरे को और दफा हो जा यहां से, वरना रिश्वत देने का एक और जुर्म तुझ पर लग जाएगा। इस वर्दी में बहुत गर्मी होती है शिवचरण साहब, इसलिए समझदार ऑफिसर रिश्वत के छींटों से इसे ठंडा करते रहते हैं, वरना ही पहनने वाले को जला देती है। तो फिर इस वर्दी से दूर ही रहना भवानी, क्योंकि इस वर्दी के अंदर बारूद से बना हुआ जिस्म है। अगर उस जिस्म ने आग पकड़ ली तो वो धमाका होगा कि तेरे जिस्म के चीतड़े चीटियां तक नहीं ढूंढ पाएंगी। अब जा मंदिर में जाकर अपनी जिंदगी की दुआ मांग, क्योंकि मैं तेरी फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के पास लेकर जा रहा हूं। गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? हाँ, तुम्हें 9 बजे आने को बोला था और अभी आ रहे हो। सर वो क्या हुआ कि? देखो, जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो। मैं जल्दी में हूं, सुमित्रा से जाके मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके सर। okay,
जय भवानी। चलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं वो? बस समझ लीजिए कि मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है, खतरे की कोई बात नहीं है। हेलो भवानी साहब, आपके लिए बुरी खबर है, एसीपी शिवचरण बच गया। पान सर? नहीं बटुकलाल, तुझे एसीपी की खैरियत पूछने अस्पताल जाना है। सुनिए, मुंह खोलिए। तुम्हारे नसीब में मेरे साथ दुख झेलने के कुछ दिन और लिखे हुए हैं। जी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, देखना आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी, कुछ ही दिनों में टंगे भल्ले हो जाएंगे। वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भाभी जी, मैं तो कहता हूँ इस मामले की इंक्वायरी ऊपर से होनी चाहिए। दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला, ची 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 ची, शर्म की बात है। वैसे मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हरदम हाजिर हूं। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाभी जी, चलता हूं। मॉर्निंग सर। अजय सर, मैंने अभी अभी भवानी के पीए को जाते हुए देखा, वो यहाँ आया था। हाँ, देखने आया था कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साजिश थी। और कौन हो सकता है? तो फिर आपने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या फायदा, वो अदालत में साबित कर देते कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है, उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देगा, और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। ड्राइवर जल्दी चलो। साहब साहब, ये आपका पान का डब्बा। मैं नहीं। ये दो बुरी खबरें हैं भवानी, एक एसीपी साहब बच गए और दूसरी अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। साहब जिंदगी और मौत से अकेले जूझ रहे, आज वो इसके जुनून का शिकार हुए, कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होगा एक दिन, क्योंकि मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गैर हो, पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और निलाम मत करो साहब, आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको
जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तुम अपने आप को समझता क्या है मैं? हाँ, तुम वो भवानी का घर में घुस के उसका लोग को मारा, उसको मारा, उसको घसीट के कुत्ता का माफिक पुलिस स्टेशन ले गया। हम मानता है कि वो बहुत हलकट आदमी, बहुत खराब आदमी, लेकिन तुमको ये सब लफड़े में पड़ने का क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो मिसेस डेविड, पहले बताओ कि तुम नाश्ता किस्ता किया कि नहीं? अरे तुम छोकरा लोग का यही मुसीबत है। तुम बैठो, हम चाय पाव लेके आता है। ए, तुम आजकल का छोकरा लोग अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखता। हमारा डेविड मालूम दिन में 5 बार खाना खाता होता, कुछ में 2 बार नाश्ता करता होता और आखा दिन में 1 लीटर दूध पीता होता। हमारा डेविड खाने का बहुत शौकीन था। इनका कड़ी भी हमारा डेविड को बहुत पसंद था। बांगड़ा फ्राई लाल चटनी का साथ। क्या देखता है तू? तुमको मालूम है ये क्या है? ये है ना, डेविड ने हमको सबसे पहले यही गिफ्ट दिया होता। चाय पियो। अच्छा, आज हम तुमको एक बात बताएंगा कि हमारा और डेविड का रोमांस कैसा हुआ। क्या हुआ ना, हम सर्विस करता होता तो जिस बस स्टॉप से हम सर्विस के लिए बस पकड़ता होता उसका बिल्कुल ऑपोजिट में डेविड का बेकरी था। वो उधर से रोज अपन को देखता, अपन को लाइन मारता। वैसे अपन को भी अच्छा तो लगता था वो, लेकिन अपन काय को बोलेगा पहले उसको आना मांगता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? उसके बाद में क्या हुआ मालूम? एक दिन सुबह सुबह हम खड़ा था तो हमारे आजू बाजू में कोई भी नहीं था, हम अकेला था। उसने भी उधर से देखा और चांस मारा, उधर से उठा और उठ के हमारे बाजू में खड़ा हो गया। हमारा भी दिल धक 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 करने को लगा। अरे मैन, उसके बाद उसने ना ये गिफ्ट हमारा हाथ में दिया और हमको बोला तुम्हारा वास्ते, ऐसा बोल के भाग गया। अरे सीधा भाग गया, हम चिल्लाए ए मैन ए मैन, उसने आगे देखा ना पीछू भाग गया। उसके बाद ना हम घर पहुंचा, घर पहुंच के हमने ये गिफ्ट देखा, हमको बहुत क्यूट लगा। और ये देखो इसका पीछे में क्या लिखा है, आई लव यू। अच्छा आइडिया है ना पटाने का। अगर लाइफ में तुम्हारे को भी किसी से रोमांस हो जाएगा और तुम्हारा बोलने का हिम्मत नहीं होएगा ना, तो हमारा डेविड का आइडिया वापरना बेस्ट है। फटाक से रोमांस और झटाक से शादी हो जाएगा। ये दुख तो मेरा मुकद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुकद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुकद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है, किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों देखो, एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कलमुही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे, इस शरीर पे जो 2-4 कपड़े बचे हैं ना इन्हें भी उतार दे ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। ये कैसा बात करता है मैं तुम, और ये किसका इज्जत उतारता है? ये तुम्हारा ननंद है, बेटी का माफी। अरे बेटी होती ना तो कब का गला घोट देती जन्म जली का। गॉड का वास्ते चुप हो जाओ तुम। आई क्यों चुप हो जाऊं, मैं तो छाती ठोक कर कहूंगी ये सब तुम्हारा किया धरा है मिसेस डेविड। और रखो गुंडे मवाली को अपने घर में, जो दूसरों की बहू बेटियों को बदकार बनाए। अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो ना मियां है ना बेटा ना बेटी, तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से धंधा है ये तुम्हारा धंधा। क्या बोला तुम? हम एक पेइंग गेस्ट का रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा तो थैंक्स बोलो, बोलो थैंक्स हमारे इस धंधा को। हाँ। थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे। ये सब सुनने से पहले मर के रही। पागल हो गई हो तुम, आत्महत्या करना बुजदली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं कौन सा पाप कौन सा गुनाह किया है इसने, किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं?
क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं इसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। एसीबी साहब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीबी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब ला रहा है, एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है सर? कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ। सदा सुखी रहो सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मौके की तलाश में था। 1-2 का 4। सीधा सीधा बोल, कहाँ है अजय? हम बताता है ना साहब, जैसे तुम उनका बाप बनकर उनका शादी बनाया, उनको ब्लेसिंग दिया,
वैसे हम उनका माँ बनकर उनको हनीमून पे भेज दिया। अरे चीट। ओके आई एम नॉट ईटिंग नाउ। लो आई डोंट लो आई डोंट वांट लो बाबा बेटा संभल के बैठना, हम लोग आ रहे हैं। बाय। आंख मारता है कौन? कौन वो गाड़ी में? देखो ना वो बच्चा। इसकी तो ए छुटके, मेरी बीवी पे लाइन मारता है? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था अंकल। आंटी बहुत अच्छी है, आइसक्रीम की तरह। साले आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम खाने के लिए तो तारीफ कर रहा था। बदमाश, रुक लाता हूँ। साला दौड़ती बच्चा, आइसक्रीम लेकर आता। अपना भी ऐसा होगा क्या? शर्माती क्या है? है तुम्हारा भैया, ठीक कहते हो बेटा, वरना दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाता है? अरे तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, जो तुम्हें इंसान के रूप में देवता मिला। क्या बहादुर लड़का है, जान पे खेल के बचाया उन बच्चों को।
भगवान हर माँ को ऐसा बेटा दे। देखो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसने बच्चों की जान बचाई है। जुग जुग जियो बेटा। भगवान, आज मैंने वो काम किया है जिसके लिए मेरा फर्ज मुझे इजाजत नहीं देता। एक मुजरिम को गिरफ्तार करने के बजाय उसे आशीर्वाद देकर आ रहा हूं, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि एक मुजरिम के अंदर इंसान को करवट लेते हुए देखा मैंने। अब उस लड़के अजय को ऐसी शक्ति दे कि वो सच्चाई की डगर पर चल सके। अरे भाई, पूजा पे बैठिए, शगुन का समय निकला जा रहा है, मुझे और भी जगह पूजा पे जाना है। जी पंडित जी। टोनी, जरा पंडित जी का टाइम पास कर। ठीक है ठीक है। पंडित जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हम रमाकांत गड़गड़े के पास मिले थे। अच्छा। उनकी पूजा में आपने हवन किया था उनके गैरेज में? अरे कमाल कर दिया, अपने शुभ हाथों ने जो हवन किया था आपने। अरे बाप रे, उनकी 25 फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ। तो भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहाँ, भगवान का बड़ा, आप तो बड़ा पन है जो भगवान का नाम ले रहे हैं आप। ये जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा के आपने अपना हांडा 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 के यहाँ जो पूजा किया आपने ढाबा में, हैं? पूजा किया आपने, हवन किया, उसके दूसरे दिन ही उसके नीचे एक हांडा मिला, हीरे मोतियों का हांडा। आज पता है कहाँ है वो हांडा? युगांडा। अच्छा? हाँ, वहाँ हीरो हांडा का बड़ा शोरूम बनाया है, वहाँ हवन के लिए बुलाएंगे आपको। है ना, बड़ी कृपा है महाराज आपकी। एक टोनी बहुत चालू है, उल्लू बनाता है पंडित को। मैं तो कहता हूँ प्रभु पंडित जी, आप ऐसी कृपा यहाँ कर दीजिए, ऐसा हवन कर दीजिए कि हमारे जो गुरु हैं इनके 25-30 गैरेज हो जाएं। भाई भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। अरे भगवान की तो कृपा है, पर पंडित जी क्या बात है, अरे आपके हाथों में तो शक्ति है, बड़े भाग्यवान है आप। ये देखिए पांच उंगलियां, ये पांच उंगली के बाद ये छठा जो बच्चा है, अरे रे 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 रे, इसको जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ये छठवा है, जैसे क्रिकेट में सिक्सर बोलते हैं, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं दर्द सर। दर्द सर, इसके कारण कभी कभी आपके सर में दर्द भी होता होगा। पंडित जी कमाल है, देखिए पैर छू रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। देखिए आप इतने ऊपर जाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे। बहुत भाग्यशाली हाथ है। और देखिए गुरु की गोद में शनि बैठा है, परेशान कर रहा था चला गया। पहले आपका शुक्र मलाड़ में था, गुरु वर्ली में था, और ये जो मंगल है वो जंगल में था। साहब जी आगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आइए सर। सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, आओ। ये जरा फाइल पकड़ना। वेलकम वेलकम, कैसा है तुम? अच्छी हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आ जाइए। हाँ चलो बैठिए सर। यहाँ आ जाइए। आ जाइए। लो बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? रुमाल रुमाल है, रुमाल आपके पास? नहीं नहीं, चलो उधर बैठो। अच्छा जी, साहब जी। हाँ जी पंडित जी, जी शुरू कीजिए। नारायणाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला स्तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम चंद्रमसे नमो नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धवे नमः स्वाहा। ओम शुक्रवे नमः स्वाहा। ओम शनिवे नमः स्वाहा। ओम पूर्णेति पूर्णमिदं स्वाहा। ओम गणानन्त्वः गणपति गुंग वामहे प्रिया। क्या कर दिया सर आपने? एक मुजरिम जो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा है, उसका अतीत जला दिया है मैंने। अगर कोई इंसान बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो क्या कानून उसे माफ कर सकता है? कानून से बड़ी अदालत आत्मा की होती है, और आत्मा का फैसला हर फैसले से बड़ा और अटल होता है। मैंने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही ये फैसला किया है। भगवान करे तुम्हारा हर काम सफल हो, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। एक
समझा? ले। बड़ा पाव देखो, पूरा काला तेल पाव हो गया। ना खुद खाता है, ना पीता है, ना औरों को खाने देता है। क्या है? चिल्ला मत। क्या के दूसरी गाड़ी में देख पेट्रोल है कि नहीं, डिलीवरी देनी है। हाँ देखता हूँ। 7:11 का पाना देख। हेन का टका सो रहा है। क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है, क्या हो गया है? ओ यार, ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार। बंद पड़ गई। मिर्गी मिर्गी खोलो खोलो, बोनट खोलो, जल्दी खोलो बोनट, खोलो फौरन, खोलो जल्दी खोलो। मुर्गी इंजन का है। तो मुर्गी इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूँ, इंजन किधर है? अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे। मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए, रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? ओ नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तो इंजन गुल। अच्छा हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है। परसों ली है? अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है, विदेशी है। शर्मानी चाहिए हम लोगों को, विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे, इम्पोर्टेड गाड़ियां। शर्मानी चाहिए आपको, अंग्रेज से ली है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते भगाते फांसी पे चढ़ गए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज अंग्रेज पीछे रह गए। हम लोग जिसमें इंजन नहीं है वो इम्पोर्ट गाड़ी। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडेला घाट पे ले जाता, ढकेल देता तू ऐसी गाड़ी पर। अंग्रेज बने हुए हैं, इम्पोर्टेड गाड़ी। हट। ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने। तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गाड़ी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल लिया, इम्पोर्टेड बोले हैंडल लिया। गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है, विदेशी गाड़ी लेके आए। बोले मालूम है कहाँ इंजन, और छोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, छोड़ दे। घंटा गया गैरेज से, इन गाड़ियों से पाना वाना, छोड़ दे, ये पूरा गैरेज तोड़ दे, तोड़ पानी, इंजन दे दे, तोड़ दे, तोड़ दे। ओए हाँ, ये रहा इंजन। इंजन इंजन कहाँ से आया भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बाप रे भर गए पापा जी, जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। 9 बजे का शो है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे बिगिनिंग नहीं देखेगा तो मजा नहीं आएगा ना। मैं तो कब से तैयार हूँ मिसेस डेविड, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो आने वाला नहीं है, लिख लो तुम। अरे सुकान खुजाने का फुर्सत दे, तुम बात करता है। ए टोनी, काय को फालतू का बात बोल के हमारा बेबी का दिल दुखाता है? हाँ, अजय ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उसको 9 बजे का पिक्चर दिखाएगा, उसको डिनर में लेके जाएगा, है ना? अरे हाँ। सवाल इतने उठता है क्यों? अरे सिस्टर देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी दिन रात दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और जो आदमी दिन रात काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कहोलिक। वर्कहोलिक। बस अपने गुरु को वर्कहोलिक हो गया है, वो आने वाला नहीं है। अरे कैसा नहीं आएगा? अरे भाभी मेरे को बहुत भूख लगा, पहला मैं वो खाना खिला दो बस। अरे कैसा? अरे रुको मैं, तुम किधर जाता है? किचन में टोनी को खाना देने। उसको हम खाना खिला देंगा। तुम एक बात हमारा ध्यान से सुनो, हमारा जो डेविड था ना वो भी ऐसे करता था, काम में सब कुछ भूल जाता था, सब कमिटमेंट भूल जाता था। हम भी कमती नहीं था, हम भी उसका काम पे पहुंच जाता था और दो चार ऐसा पोज मारता था कि डेविड खल्लास हो जाता था। अरे जल्दी से शटर डाउन करके हमारा साथ में निकलता था। तुम समझ गया ना हम क्या बोलना मांगता? ये मर्द लोग को कंट्रोल में करने का वास्ते थोड़ा दो चार पैर पैतरा मारना मांगता। तुम समझ गया ना? समझ गई। अरे समझ गया तो खड़ा काय को, जल्दी से
दिया तुमको, योर ग्रेस। थैंक यू थैंक यू। अरे अजय, तुमको मिलने का वास्ते कोई आया? हम ऊपर में बिठाया उसको, जरा देखो तो कौन है। अच्छा मिसेस डेविड। सुधा जी, हम उसके लिए चाय बिस्कुट बनाया, तुम लेके जाओ। अच्छा। क्यों शिवा, मेरे को देख के खुशी नहीं हुई तेरे को? नहीं अन्ना, ऐसी बात नहीं है। तो आ, अन्ना के गले लग जा। आजा मेरे बच्चे शिवा, आजा। मेरे को बहुत खुशी हुई कि तूने घर बसा लिया, लेकिन मेरे को दुख भी हुआ कि तू अन्ना को भूल गया। चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को लेने आया हूँ, अपना सामान बांध और मेरे साथ चल। नहीं अन्ना, अब ये मुमकिन नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी? अरे अन्ना की दुनिया तो बहुत उदास है रे तेरे बगैर। चल वापस चल शिवा। मेरा नाम शिवा नहीं, अब अजय। नाम के साथ साथ पेशा भी बदल दिया है मैंने, हथियार की जगह औजार और खून की जगह पसीना बहाना सीख लिया है। हाँ मेरे को मालूम है, इधर इस बस्ती में तूने एक गैरेज खोल रखा है, गाड़ी की रिपेयरिंग करता है तू। लेकिन अपन का लाइफ भी कोई गाड़ी का इंजन नहीं, जो बिगड़ जाए तो रिपेयर हो जाए, चला तो चला, नहीं तो स्क्रैप। देखो अन्ना, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, अपन लोग की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। हाँ, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं लौटना मुझे उन रास्तों पर जिस पर बेगुनाह इंसानों की लाशें खून से लिथड़ी पड़ी हो, नहीं लेना उस हवा में सांस जिस हवा में बारूद का धुआं शामिल हो। अन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर मत करो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या बोला तू? मैं चले जाओ यहाँ से? मेरे को बोला तू? मेरे को बोला? अरे तू जब रोता था ना तो तेरी रोने की आवाज में निकलती थी तेरी अलग से, ऐसे मरेले हालत में कोई कचरे में फेंक के गया था तेरे को, मैं उठाया तेरे को, अन्ना उठा के पाला तेरे को। बच्चा जब बोलने लगता है उसके मुंह से पहला वर्ड अम्मा निकलता है, लेकिन तेरे मुंह से अन्ना निकला था, अन्ना निकला था, अन्ना। इतना प्यार दिया मैंने तेरे को और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहां से? अरे दो वक्त जोरू के हाथ का रोटी और चार रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को भूल गया तू? अन्ना को? मैं जानता हूं अन्ना, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है, यही कर्ज था जिसकी खातिर जो कुछ तुमने मुझसे कराया मैं करता चला आया, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं जीना चाहता हूं अन्ना, एक नेक इंसान बनकर, अपनी खातिर, अपनी बीवी की खातिर। तो तू इसके लिए जीना चाहता है? याद कर शिवा, जिस आदमी के घर पे तूने पैसे भिजवाए थे वो कोई और नहीं, तेरे औरत का पहला मर्द था। अब तू जीना चाहे भी तो जी नहीं सकेगा, क्योंकि जिसके मांग में तूने सिंदूर भरा है ना, उसका मांग उजाड़ने वाला भी तू है, उसका पहला पति रवि मल्होत्रा का कातिल तू है, उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है, तू है। उसका सुहाग उजाड़ने वाला तू है, उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है शिवा, तू, तू, तू। पुलिस से क्यों भाग रहा था? पुलिस से क्यों भाग रहा था? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ही करने का फल है नेकी और रुस्वाइयां, आप ही के संग चलेंगी आपकी परछाइयां। ए मैं, तुम काय का वास्ते मुंह लटका के खड़ा है? अरे तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गुड न्यूज आज हम तुमको देंगे, तुम फादर बनने वाला है, यस फादर, और हम दादी, अरे हमारा तो दिल करता है कि जोर से नाचेंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे कि हम दादी बन।
मिसेस डेविड, हॉस्पिटल में शोर मचाना मना है। सॉरी सॉरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जश्न तो हम सब मिलकर कल बस्ती में मनाएंगे। हाथ भी लगाया, खून की बू आती है मुझे तुम्हारे जिस्म से। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। इससे बड़ा अभिशाप और क्या होगा मेरे लिए कि जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा, उसने मेरी मांग भरी। मेरी बदकिस्मती है ये कि कातिल के खून का खतरा मेरी कोख में पड़ रहा है। जी तो चाहता है कि जन्म से पहले इसे मार डालूं, लेकिन क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूं। कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी। बारूद का ढेर था, लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। अरे जिसके वास्ते तू अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना, वही तेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। चल वापस चल अपनी दुनिया में। देख मैं तेरे को अपने साथ ले जाने के वास्ते कैसे कैसे महारथी अपने साथ लाया हूँ। देख। नहीं नहीं नहीं, ऐसी दुश्मनी की नजर से देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब भवानी अन्ना से हाथ मिला चुका है, और जो अन्ना का दोस्त है वो भवानी का दोस्त है, और इस दोस्ती का सुझाव दिया है हमारे आदरणीय भजन सिंह जी ने। आप है राजनीति के बेताज बादशाह, सियासत की शतरंज कैरम बोर्ड की तरह खेलते हैं। दौलत और ताकत का स्ट्राइकर इनकी उंगलियों में है। जितनी देर में कैरम का एक बोर्ड फिनिश होता है, उससे भी कम वक्त में ये किसी भी पार्टी का तख्ता पलट सकते हैं। वो क्या है कि शक्ल से मैं उतना कमीना नहीं लगता हूँ जितना मैं हूँ। बहुत सोच समझ कर राजनीति के इस धंधे में कदम रखा है मैंने। जानते हो क्यों? क्योंकि नेतागिरी ही एक ऐसा धंधा है जिसे शुरू करने के लिए ना फाइनेंस की जरूरत होती है, ना क्वालिफिकेशन की। सिर्फ कोयल सी मीठी जुबान और लोमड़ी सा शातिर दिमाग चाहिए। दरअसल मैंने ही अन्ना को सुपारी दी थी उस सीएम को मारने के लिए, और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने के लिए, मगर साला किस्मत का धनी था, बच गया। और मर गया वो जो तुम्हारी बीवी का पहला पति था। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रुपए लेकर खून करते हैं। तुम्हारे पास आने की वजह है तो सिर्फ इतनी कि बंदूक चलाते वक्त तुम्हारी उंगलियां नहीं कांपती। 26 जनवरी को वही सीएम इस शहर में आ रहा है किसी सरकारी मीटिंग के सिलसिले में, और 28 जनवरी को वापस जा रहा है। यानी 48 घंटे हैं तुम्हारे पास अपना पिछला अधूरा काम पूरा करने के लिए। ये मत समझना कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस काम के। इतनी रकम मिलेगी जिंदगी भर ऐश करोगे ऐश। ये मशीन गन दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं बिना आवाज किए। उठा लो इसे, इसका गला बारूद उगलने के लिए मचल रहा है। तो कह रहा है शिवा, तेरा मनपसंद खिलौना तेरे सामने पड़ा है, उठा ले इसे। उठा ले शिवा, उठा ले। भजन सिंह, जब मैं चलना सीख रहा था तो अन्ना ने उंगली की जगह रिवॉल्वर की नाल थमाई थी मुझे। बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से बारूद की बदबू धोई है मैंने। मुझे दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर मत करना, वरना कैरम बोर्ड तुम्हारे सामने होगा, लेकिन स्ट्राइकर चलाने के लिए तुम्हारी हथेली पर उंगलियां नहीं रहेंगी। पागल हो गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए अन्ना, क्योंकि आज भी वही तेवर, वही जुनून, वही आग है इसमें। अब तुम देखना, मैं इस आग में अपनी राजनीतिक बुद्धि का तेल छिड़क कर इसे कैसे ज्वालामुखी बनाता हूं। उड़ा दे इसे। आ, 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 आ,
भाभी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, ऑफिस से घर आ रहे थे, अचानक कार उड़ाकर चली गई। एक्सक्यूज मी, केस बहुत सीरियस है, हमें दूसरे अस्पताल से सर्जन को बुलाना होगा। आप 30-40 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। 30-40 हजार रुपए? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आप फिकर मत कीजिए, महेश भैया के इलाज के लिए मैं अपना गैराज तक भेज दूंगा। साहब इसको मत तोड़िए साहब, ये हम गरीबों की रोजी रोटी है साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब। ए, तेरे को बोला ना बीच में नहीं आने का, नहीं तो तू भी भूखा हो जाएगा। चला यहाँ से। नहीं मिस्टर, खबरदार जो हमारे काम में दखल देने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ तुम्हारा ये गैराज अनऑथोराइज है और इसका डिमोलिशन ऑर्डर है हमारे पास, ये देखो। मगर साहब एक ड्राइवर, एक दो 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 गुरु, गजब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। म्युनिसिपैलिटी वालों ने अपना गैरेज तोड़ दिया, मैंने उनको बहुत समझाया, गिराया कि मत तोड़ो, कहते हैं गैर कानूनी है। माइकलाल जो अपने बाजुओं की ताकत आजमाना चाहता है? अरे है कोई जवान जो इस पोलाद से टकराने की हिम्मत रखता है? अरे है कोई जवान मेहरबान कदरदान जो इस पहलवान को हराएगा वो 20,000 रुपए कमाएगा? अरे है कोई मर्द? मैं लड़ूंगा। हाँ मैं लड़ूंगा। तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा इस मिट्टी के लाल से। ठीक है, आ अंदर आ, आ जा, हाँ कपड़े बदल के आना। इसके 35 मिलेंगे, ये लीजिए। हारने के 40 मिलेंगे, मेरा पहलवान नहीं हारना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं हारने के 40,000 दूंगा। 30-40 हजार रुपए, इतने पैसे कहां से आएंगे? गुरु, क्या? ठीक है, पैसे इसको दे देना। एमेन, तुम कैसा बात करता है? पूरे 40 संगीन ले। अब अगला राउंड पानी में होगा।
मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। हो ये डिपॉजिट के पैसे? अब इसकी जरूरत नहीं है मैडम, आपके पति ने तो पैसे भिजवा दिए हैं। क्यों लिए आपने पैसे? जी आपके अस्पताल में मेरा भाई एडमिट है, मेरे पति का। सुधा ये कैसा बात करता है मैंटू? पैसा तुमने दिया अजय ने दिया, एक ही बात है ना? नहीं मिस डेविड, बहुत फर्क है। क्या? इधर आओ मैन, क्या हुआ है? तुम हस्बैंड एंड वाइफ में क्या टेंशन चलता और किस बात का झगड़ा है? हा? अरे अजय तो कितना अच्छा छोकरा है, तुमको तो अपना तकदीर पे नाश करना मांगता। लोग अपनों के काम नहीं आता और अजय तो दूसरों का वास्ते अपना जान देता है। मिस डेविड, वो जान देता नहीं, जान लेता है। मेरे भाई के इलाज के लिए उसने जो पैसा डिपॉजिट किया है, न जाने किसका खून बहा के लाया है वो। हाँ खून तो जरूर बहा है, तुम जानना मांगता है ना कि किसका खून बहा है? हम बताएगा तुमको, बताएगा कि किसका खून बहा है। चलो हटो बहन, देखो अपना आंखी से देखो कि किसका खून बहाता है। एहसान क्या समझते हो तुम? चंद खतरे खून के बहाने से तुम्हारे सारे गुनाहों के दाग धुल जाएंगे? उसने इन हाथों से, और तो और सुधा के पहले पति की मौत का कारण भी मैं ही हूं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी भाभी। कैसी बातें कर रही है तू? आज करवा चौथ है, आज के दिन तो हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और तूने व्रत नहीं रखा? आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं भाभी। लगता है अजय से कोई तेरी खटपट हो गई, लेकिन पगली
नाराजगी का मतलब ये नहीं कि तू अपने संस्कारों को भूल जाए। सच पूछ तो मेरा व्रत भी अजय के दम से है। अगर वो तेरे भैया की जिंदगी नहीं बचाता तो शायद तेरी भाभी के शरीर पर सुहाग का जोड़ा नहीं होता। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुझे पति नहीं देवता मिला है, देवता। अरे ये इस बात हम इस छोकरी को दिन रात समझाता है कि इसका आदमी ग्रेट है, नसीब वाले को ऐसा आदमी मिलता है। कम ऑन बेबी, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम प्लीज मिस्टर डेविड, मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। ये तुझे क्या हो गया है सुधा? मैंने कहा ना भाभी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? ये मेरा जाती मामला है। ये तुमको क्या हो गया है सुधा? ऐसा ऐसा बात करता है क्या अपना भाभी से? और क्या गलत बात बोला वो? तुम्हारा धर्म में तो पति को भगवान मानता है। और भगवान भगवान भगवान, जिसे आप लोग अपनी पलकों में सजाए बैठे हो, वो मेरी पूजा तो क्या किसी के नफरत के काबिल भी नहीं है। खिलवाड़ हुआ है मेरे साथ, खिलवाड़। चुटकी भर सिंदूर की जगह पाप के अंगारे और मंगलसूत्र की जगह अपने गुनाहों की रस्सी लपेट दी है उसने। हे कुनी, हे कातिल, ने मांग भरी है मेरी। और अब कहते हैं इसे आदमी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं मैं? अरे इससे तो अच्छा कि मैं अपना आपका गला घोट। नहीं सुधा, कह दे कि ये सब झूठ है। यही सच है भाभी। न जाने कितने लोगों के खून से हाथ रंगे हैं उसके। और तो और भाभी, रवि का भी खून उसी ने किया। सुधा, हम तुम्हारा तकलीफ को समझता, क्योंकि हम भी ऐसा पेन से गुजरा। तुमको क्या लगता हम रात दिन ये डेविड डेविड काहे को करता? क्योंकि आज हमको हमारा गलती मालूम पड़ता कि हमारा डेविड का खून का जिम्मेदार हम है। हम उसको बहुत प्यार करता था। शादी के बाद जब हमको मालूम पड़ा कि हमारा डेविड एक क्रिमिनल था, वो जेल जा चुका था, बस हमारा प्यार नफरत में बदल गया। उसने हमको बहुत समझाया कि देखो हम ये रास्ता छोड़ दिया, अब हम क्राइम नहीं करता है। लेकिन हम उसके बाद का भरोसा ही नहीं किया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही नफरत करता था हम उससे, जैसा आज तुम अजय से करता। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ मालूम? हमारा डेविड ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया हमारा डेविड ने, खाली हमको बताने का वास्ते कि अब उसने गुनाह का रास्ता छोड़ दिया है। तब जाके हमको अक्कल आया कि एक आदमी अखंड दुनिया से लड़ सकता है, मगर एक औरत का नफरत का आगे हार जाता है। नो बेबी नो, तुम हमारा माफी गलती मत करना। आज अजय को तुम्हारा प्यार तुम्हारा सहारे का जरूरत है। अगर तुमने उसको ठुकरा दिया तो उसका जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा लाइफ में भी कुछ नहीं बचेगा। मान जाओ सुधा, अपना पति का वास्ते ना सही, उस मोटर मैकेनिक का लंबा लाइफ का वास्ते दुआ करो जो तुम्हारा होने वाले बच्चे का बाप है।
आपकी राजनीति बुद्धि को तो सलाम करना पड़ेगा। अरे इधर शिवा के हाथों पुराना सीएम शमशान पहुंचा और उधर आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन भजन सिंह जी, आप इस पद पर बैठने के बाद आपके राइट और लेफ्ट के दोनों कुर्सियां हमारे लिए खाली छोड़ देना। अरे तुम लोग कुर्सी की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बेंच का इंतजाम करा दूंगा। बैठना है बैठ जाओ, लेटना है लेट जाओ। जी वाकई वही जुनून है अभी तक इसमें, लेकिन ठंडा पड़ जाएगा जब इसे पता चलेगा इसकी औरत कहाँ है। बोल कहाँ है मेरी बीवी, बोल। जिंदा है। हाँ अभी तक जिंदा है, लेकिन मौत उसके चारों तरफ गर्दिश कर रही है। देखना चाहता है वो मंजर। शिवा आगे नहीं जाना, इन तारों में इतना तेज करंट दौड़ रहा है ना कि इसे छूकर तो लोहा भी राख बन जाएगा। बीवी उस गोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोख में कैद है। अगर तू चाहता है कि दोनों जिंदा रहे तो जाके उस सीएम को उसकी जिंदगी की कैद से आजाद कर। बुलाओ
दिया ना तूने अपना असली रूप, उठा लिया ना हथियार, बहा दिया ना खून। तुझसे बड़ा मुजरिम तो आज मैं अपने आप को समझने लगा हूं, जो तुझे गिरफ्तार करने की बजाय तुझे आशीर्वाद दिया। भूल थी मेरी जो मैं ये समझ बैठा कि एक मुजरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है। नहीं, आज तूने ये साबित कर दिया कि चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। अभी प्राप्त हुए समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री श्री एल के चौधरी पर किसी ने गोली चलाकर हत्या कर दी। इस हत्या के कारण शहर में सख्त तनाव फैल गया है। दुकानें बंद कराई जा रही है। बसों को आग लगाने और पथराव की कई घटनाएं भी हुई हैं। गृह राज्य मंत्री और पुलिस परिस्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है और कातिल की तलाश जारी है। पुलिस महानिदेशक का शहरियों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और पुलिस को सहयोग दें। हम सब यहां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के शोक समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जमा हुए। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पद का भार सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, दुख है इस बात का कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज ये शहर आग और खून में बह रहा है। कौन है वो जो खून की होली खेल रहा है? किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसिला रुकता नहीं? हथियार वही है, बदलते हैं तो सिर्फ गोलियां चलाने वाले हाथ। वाह भगन सिंह वाह, शब्दों से खेलने की जादूगरी तो कोई तुमसे सीखे। साहिबान, ये आदमी जो आपके सामने देशभक्ति और एकता की बातें कर रहा है, दरअसल यही वो शख्स है जिसने मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन शायद भजन सिंह ये भूल गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूत बना के भेजा था, वही मेरी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता साबित हुआ। और आज मैं उस नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अजय, सॉरी भजन सिंह, तुम्हारा सीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
की फाइल कंप्लीट हो चुकी है। चल। मुख्यमंत्री साहब की जान बचाने और कानून का साथ देने के एवज में सरकार ने अजय उर्फ शिवा को कम से कम सजा देने का फैसला किया है और उसे